हेलो गाइस, मेरा नाम सुमो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफी दिनों से यार MIUI पे कोई वीडियो नहीं आ रही यार, क्योंकि Xiaomi की तरफ से कोई न्यूज ही नहीं निकल के आ रही, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे Xiaomi की तरफ से ना सिस्टम ऐप के अपडेट निकल के आए हैं, ऑफिशियली अपडेट, स्टेबल की बात कर रहा हूँ, कोई भी अल्फा एंड बीटा अपडेट की बात नहीं कर रहा। जी हाँ, तो आज की मैं बताऊँ कौन कौन से ऐप के अपडेट है, उसमें कौन कौन से फीचर आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि सिस्टम लॉन्चर, सिक्योरिटी, गैलरी एडिटर और काफी सारे एप्लीकेशन के अपडेट हैं, वो सब कुछ आपको बताता हूँ क्या क्या उसमें फीचर ऐड हुए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को शुरू लेके एंड तक वॉच करते रहिएगा यार। और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, 200 लाइक देता हूं, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्यों या नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है अब इंडिया के अंदर जनवरी के अंदर न्यू ईयर पे आपको कोई यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिले Xiaomi की तरफ से, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी यार, इसके लिए कर लेना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की बात करूँ तो वो आपको दिखाता हूँ। सिक्योरिटी स्टेटस मेरे को एक दो दिन पहले मिल चुका है, तो यहाँ कई लोगों को ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ दिनों में मिल जाए, अगर ना मिला तो देखते हैं अपडेट हिस्ट्री में जाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन का एक अपडेट रिसीव हुआ है मुझे, ठीक है, जो कि 7.2 वर्जन। जी हाँ, अब इसके अंदर चेंजेस किया गया वो सब कुछ बताता हूँ। जी हाँ, आपको ये मिल चुका होगा, आप चेक कर लेना, कईयों का ये वर्जन अलग हो सकता है, कईयों को 7.1 के साथ मिला है, कईयों को 7.2 के साथ मिला है, और मे भी हो सकता है कईयों को 7.3 के साथ ये अपडेट देखने को मिला हो। तब इसके अंदर चेंजेस किया गया, चेंजेस तो आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बस आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाना और बैटरी सेक्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे बैटरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नॉर्मल हो चुका है, कईयों में कूल हो चुका है, मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो यहाँ पे नॉर्मल दिखाएगा, पहले यहाँ पे डिग्री आपको शो करता था जी हाँ, किस टाइप का आपको देखने को मिलता है कितना टेम्परेचर है, लेकिन अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से इंप्लीमेंट कर दिया गया है नॉर्मल, और हो सकता है ऐसे देखने को मिले आपको हाई हो चुका है टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो पहले से थोड़ा बहुत चेंज किया गया। एक चीज और ऐड हुई आपकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर, जी हाँ, आपको सिंपली जाना बैटरी के अंदर, सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहां पे देखते हैं ये फीचर किसी किसी में ऐड हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ इस फोन के अंदर ये चीज़ ऐड हो चुकी है, दिखा देता हूँ यहाँ पे फोकस करके, यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं स्लीप मोड कुछ वगैरह इस टाइप में देखने को मिलता है, लेकिन मेरे इस फोन के अंदर ऐड नहीं हुआ, ठीक है, देख सकते हैं दोनों में मैंने अपडेट कर लिया सिक्योरिटी एप्लीकेशन, लेकिन किसी किसी में आ रहा है, किसी किसी के अंदर नहीं आ रहा, तो वो देख लेना आपके अंदर आ रहा है कि नहीं। सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ओनली फॉर यही ऑप्शन है, यहाँ तो भाई सब देख सकते हैं स्क्रॉल नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर ये एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करो तो वो आपको देखने को मिलता है गैलरी का। जी हाँ, गैलरी एडिटर हो गया, गैलरी का आपको अपडेट देखने को मिलेगा, अपडेट लिस्ट में आप चेक कीजिएगा, देखते हैं मेरे को भी एक अपडेट रिसीव हुआ है मी गैलरी का, ठीक है, तो ये भी आपको अपडेट रिसीव हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। अब ये अपडेट है ना, अपडेट तो कई लोगों को मिला है, लेकिन फीचर हो सकता है किसी किसी डिवाइस में मिला हो, किसी किसी में ना मिला हो। फीचर क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ, सिंपली आपको जाना होगा अपने गैलरी एप्लीकेशन के अंदर, गैलरी एप्लीकेशन के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एडिट का ऑप्शन, एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है हमें AI का ऑप्शन, AI के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इरेज का ऑप्शन। अब इरेज के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक और नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। जी हाँ, कई लोगों में तो यही सिर्फ मैनुअली और रिमूव लाइन, जिसके अंदर जैसे रेडमी नोट 10 11 के अंदर दो ही ऑप्शन होंगे, जो कि थोड़े हाई एंड डिवाइस है 15 से 20 हज़ार, उनमें ये फीचर ऐड हो रहा है इस अपडेट के साथ। एक तो ये तो पहले ही था उनके फोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखते हैं रिमूव शैडो फ्रॉम फूड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जी हाँ, देखते कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, ये भरा कुड नॉट डिटेक्ट शैडो। जी हाँ, तो आपके फोटो के अंदर कोई शैडो होएगी तो उसको वो रिमूव कर देगा। जी हाँ, जैसे कि इसके अंदर कोई शैडो नहीं है, जैसे कि आपका कोई होता है ना, जैसे कि आप खड़े हो उसका शैडो वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उस शैडो को रिमूव कर देगा। देखते हैं कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलता है, रिमूव शैडो फ्रॉम फूड इस पर देखने को मिलता है, मतलब आई थिंक ये शायद एक फूड का ही शैडो रिमूव करेगा। जी हाँ, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ये एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया। आप बताना आपके फ़ोन के अंदर ये फीचर आया है कि नहीं आया रिमूव फ्रॉम शैडो का। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा होगा सिस्टम अपडेटर के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपास का एक अपडेट। जी हाँ, देखते हैं ये कुछ देखने मिलता है, 16 दिसंबर को ये अपडेट रिलीज हुआ था, देखते हैं आपके फोन में भी आ चुका है। तो इसके जो थोड़ा लेआउट है ना वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने मिलता है। तो देखते हैं ये चीज़ आपको देखने मिलती है, इस प्रकार से आपको करना है या इस प्रकार से करना है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट है ना, थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको पूरा 0 डिग्री पे ले जाएंगे तो इसका कलर वगैरह यहाँ पे देखते हैं चेंज हो चुका है, और एनिमेशन, और यहाँ पे जब 0 पे करोगे लेवल पे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत इसको इंप्लीमेंट किया गया और यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता इस अपडेट के अंदर। ये भी ऑफिशियली अपडेट है, डाउनलोड लिंक में किसी भी ऐप का लिंक नहीं देने वाला जी हाँ, क्योंकि ये सारे Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली सिस्टम ऐप के अंदर अपडेट आए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अपडेट की बात को तो वो आपको देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर का अपडेट। अब ये सिस्टम लॉन्चर का अपडेट है, इसमें कोई भी आपको फीचर नहीं देखने को मिलता, बस एक बग फिक्स का अपडेट देखने को मिलता है जो कि मुझे भी रिसीव हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अब ये सिस्टम लॉन्चर का अपडेट है किसी किसी फोन के अंदर रोल आउट किया गया और किसी किसी फोन के अंदर नहीं रोल आउट किया, जैसे सिक्योरिटी एप्लीकेशन का सारे फोनों के अंदर रोल आउट किया गया है और कंपास वगैरह और गैलरी वगैरह बहुत सारे डिवाइसों में किया गया, लेकिन सिस्टम लॉन्चर का किसी किसी डिवाइस के अंदर रोल आउट किया गया जो कि आप चेक करें ना आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं मिला, तो वो आप अपडेट कर लोगे तो यहाँ पे देखते थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, स्टेबल हो चुका है और यहाँ पे कुछ आपको नहीं देखने को मिलता। आपको दिखा भी देता हूँ, होम स्क्रीन के अंदर जाऊंगे तो बस एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, जो पहले 4.38 का आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलता था उसके अंदर एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब 4.25 के अंदर भी ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया रिलैक्स बैलेंस फास्ट, ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर ऐड की गई है और भी देखते हैं आइकन साइज वगैरह आपको सारा कुछ वैसे ही देखने को मिलता है, होम स्क्रीन लेआउट वगैरह अरेंज आइटम बिल्कुल आपको वैसे ही देखने को मिलता है, बाकी सुपर आइकन तो आपको MIUI 14 के साथ ही देखने को मिलेगा, वो MIUI 14 का सिस्टम लॉन्चर है, उसका कोई ट्रिक वगैरह निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसमें अगर हो सकता है MIUI 14 लॉन्च होने से पहले सिस्टम लॉन्चर का अपडेट आ जाए या कोई ट्रिक मिल जाए जिसके अंदर हम सुपर आइकन को अनेबल कर सकते हैं अपडेट आने से पहले। अपडेट जैसे ही आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बस चैनल पे एक्टिव रहिएगा, सिस्टम लॉन्चर का कोई भी मेरी वीडियो आई तो झट से उस पर क्लिक करके आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो कई बार हो सकता है, हो सकता है मेरे को लगता है आ सकता है वो फीचर पहले ही हमें देखने को मिल सकता है, जी हाँ कोई ट्रिक आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात को तो ये ऑटोमेटिकली सभी फोनों में चेंज देखने को मिलता है, ऐप तो पता नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली सभी फोन में ये चेंज देखने को मिलता है, मैंने सभी फोनों में चेक किया सभी में ये चेंज देखने को मिलता है, बस आपको मैनेज डाउनलोड में जाना है, मैनेज डाउनलोड में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं आपको लेआउट यहाँ पे इसका चेंज देखने को मिलेगा, कलरफुल टाइप में देखने को मिलता था, पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था, अब यहाँ पे देखते हैं जो भी रिसेंटली इंस्टॉल्ड हुए हैं वो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ से इन्हें डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, म्यूजिक में जाऊँगा तो इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन सभी को नहीं कर सकते, जैसे कि ये मी अकाउंट सेटिंग में ही देखने को मिलता तो इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, कास्टिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, बस यहाँ पे देखते हैं इसका लेआउट यहाँ पे कलरफुल कर दिया गया जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही था कुछ सिस्टम ऐप के अपडेट जो कि ऑफिशियली सिस्टम ऐप अपडेट में देखने को मिले थे। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।